सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 12 का जो दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम वृत्तीय फलन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इसको लेकर पढ़ेंगे। इसको आप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी बोल सकते हो, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी बोल सकते हो, क्योंकि इसका कारण है कि सारे त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं वो वृत्तीय फलन ही होते हैं। NCERT बुक में इस पार्ट का नाम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ही दे रखा है, जो 2021 पे अपने यहाँ भी लागू हो जाएगी, राजस्थान में भी। देखो, इस पार्ट के बारे में मेन ये पढ़ेंगे कि ये जो जितने भी इनवर्स फंक्शन होते हैं अपने त्रिकोणमितीय वाले, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये सारे के सारे, तो इनका प्रांत डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, इनका जो परिसर होता है मतलब रेंज, जिनको आप प्रिंसिपल वैल्यू भी, मुख्य मान भी बोल सकते हो, वो भी फिक्स कहाँ से कहाँ तक होता है, ये हम मेन इसमें मतलब ये सारणी एक प्रकार से पूरी भरे गए। तो इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि इसका जो मुख्य मान होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में क्यों होता है, कॉस इनवर्स एक्स का जो होता है वो 0 से पाई के बीच में या समान ही क्यों होता है, इसको लेकर हम मेन ये वीडियो में लेके आ रहा हूँ। तो देखो, उससे पहले हम 11th क्लास में हम फलन के बारे में पढ़ चुके हैं। आपको एक बार फिर से मैं याद दिला देता हूँ कि फलन कुल 4 प्रकार के होते थे, एकेकी, बहुएकी, अंतरक्षेपी और आच्छादक, मतलब 1-1, मैनी 1, ऑन्टो और इंटो फंक्शन। अब जैसे किस प्रकार से, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये मैंने कोई सेट ले लिया ए, ये कोई सेट ए ले लिया और ये कोई सेट बी ले लिया, मान लो इसके एलिमेंट ले लिए मैंने 1, 2, 3 और इसके एलिमेंट ले लिए ए बी और सी, मान लो। अब देखो, जो मैंने ये दो सेट लिए हैं, अब ये जो होते हैं वो प्रांत कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। अब मान लो बी सेट के पहले से, ये बी सेट में मान लो ये एलिमेंट है, तो ये सब प्रांत कहलाते हैं, यानी कोडोमेन कहलाते हैं। अब देखो, इनका रिलेशन किस किस एलिमेंट के साथ में है, जैसे मान लो 1 का ए के साथ में है, 2 का बी के साथ में है, 3 का सी के साथ में है, ये रिलेशन है मान लो। तो इधर से जब हम देखते हैं, मतलब प्रतिबिंब, तो इधर से देखते वो तो हमारे पास में होता है एक एक ही, बहु एक एक ही, इन दोनों में से तो इधर से पता चलेगा। और जब हम इधर से देखेंगे पूर्व प्रतिबिंब, तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि वो आच्छादक है कि अंतरक्षेपी फंक्शन है, उन दोनों में से पता चलेगा, ऑन्टो या इंटो। इधर से पता चलेगा कि 1-1 है कि मैनी 1 है। अब जैसे कि देखो, इधर सभी भिन्न भिन्न एलिमेंट के भिन्न भिन्न अलग अलग इमेज है यहाँ पे, मतलब अलग अलग प्रतिबिंब है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक एक ही फंक्शन है, मतलब 1-1 फंक्शन है। क्योंकि देखो, 1 का अलग भिन्न भिन्न एलिमेंट से संबंध रख रहा है, ये 2 अलग से रख रहा है, 3 सी से रख रहा है, तो ये कहलाएगा एक एक ही। अब जैसे ये कंडीशन बनती है यहाँ पे, जैसे मान लो हमारे पास में 1 और 2 होता, और इधर 1 का जो रिलेशन है वो भी ए के साथ में होता, 2 का भी ए के साथ में होता, तो ये कहलाता बहु एक ही फंक्शन इधर से देखे। अब ये है एक एक ही। अब देखो, इधर से हम देखेंगे तो वो ऑन्टो इंटो का, ऑन्टो और इंटो का पता चलेगा। तो यहाँ देखो, ये जितने भी सब प्रांत है वो सारे देखो परिसर बन रहे, क्योंकि 1 का रिलेशन ए के साथ में, तो ये जो सब प्रांत था वो 1 का रिलेशन होने के कारण वो हमारे अब बन गया है परिसर, रेंज बन गया। 2 का रिलेशन भी है इसके बी के साथ में, तो ये भी सप्रांत क्या बन गया अपने पास में, परिसर। और 3 का रिलेशन सी से है, तो सी भी क्या बन गया, परिसर, रेंज। अब देखो, सारे सप्रांत क्या बन चुके, परिसर, मतलब कोई भी नहीं छूटा, इसलिए इसको इधर से हम बोलेंगे आच्छादक, आच्छादक यानी ऑन्टो फंक्शन। यानी इस पूरे को दो शब्दों में नाम दिया जाता है, मतलब हम इस पूरे का नाम दे सकते एक एक ही आच्छादक। एक एक ही इसलिए कि भिन्न भिन्न एलिमेंट के जो प्रतिबिंब है वो भिन्न भिन्न है, और आच्छादक इसलिए क्योंकि सभी के पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, कोई भी छूट नहीं रहा। अब जैसे मान लो यहाँ मैंने एक और डी ले लिया होता, अब देखो डी का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो ये फंक्शन कौन सा हो जाता, इधर से अंतरक्षेप यानी इंटो फंक्शन हो जाता। तब इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, एक एक की अंतरक्षेपी फंक्शन बोलते हैं। अगर ये और होता तो आपको ये पता चल गया होगा एक एक की किसे बोलते हैं, बहु एक ही किसे बोलते हैं, आच्छादक किसे बोलते हैं और
और लास्ट में अंतरशेपी फंक्शन किसे बोलते हैं। तो ये फलनों के बारे में हमें सामान्य जानकारी पता होना बहुत ज़रूरी है इस सारणी को पढ़ने के लिए। अब देखो, सबसे पहले तो हमने देखो 12वीं क्लास में फर्स्ट चैप्टर में ये स्पष्ट रूप से पढ़ा है कि किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन तभी विद्यमान होगा जब वो एक एक ही आच्छादक होगा। ये हमने 12वीं में जो फलन वाला चैप्टर पढ़ा उसमें इस पर कई हमने प्रतिलोम फलन भी वहाँ निकाले थे, तो मतलब त्रिकोणमिति के नहीं निकाले थे, इसके अलावा फंक्शन के निकाले थे। आपको पता होगा प्रांत को परिसर में चेंज किया था, परिसर को प्रांत में चेंज करते तो उसका इन्वर्स प्राप्त होता था। ये कब होता था? जब वो एक एक ही आच्छादक होता है तभी इन्वर्स का अस्तित्व विद्यमान होता है। यदि वो एक एक ही आच्छादक नहीं होगा तो उसका इन्वर्स वहाँ मतलब उसका इन्वर्स हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि वो इन्वर्स फंक्शन वहाँ पे उसका मौजूद ही नहीं है। तो आप ध्यान रखना, कोई भी फलन का प्रतिलोम फलन तभी वहाँ उसका अस्तित्व होगा जब वो फलन एक एक ही आच्छादक होगा, यानी कि आप कह सकते हो वन वन ऑन्टो फंक्शन होगा। यदि वन वन ऑन्टो फंक्शन है तो ही उसका इन्वर्स फंक्शन वहाँ पे हम निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ देखो, हम पढ़ रहे हैं प्रतिलोम वर्तीय फलन या फिर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी मेन यहाँ पे त्रिकोणमिति फंक्शन की बात करेंगे। तो जितने भी त्रिकोणमिति फंक्शन होते हैं साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, अपने से ये जो भी सेक कॉस एक, वो सारे कोई भी त्रिकोणमिति फंक्शन अपने प्रांत और रेंज में एक एक ही आच्छादक नहीं होते। तो हमें देखो, जब एक एक ही आच्छादक ये होते ही नहीं तो फिर हम इसके इन्वर्स की बात ही कैसे कर सकते, इस पार्ट को पढ़ ही कैसे सकते। तो हमारा सबसे पहला काम यही करना पड़ेगा कि हमें इन फंक्शन को एक एक ही आच्छादक बनाना पड़ेगा, मतलब उनको इस टाइप से कम करना पड़ेगा, इस टाइप से उनका परिसीमन करना पड़ेगा, उनको सीमित करना पड़ेगा ताकि वो एक एक ही आच्छादक बन जाए। और जैसे ही एक एक ही आच्छादक बन जाएंगे, इसके बाद में हम उनके इन्वर्स की बात कर सकते हैं, हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर पढ़ सकते हैं। इसलिए देखो, यही हम मेन यहाँ पे हम सभी जो जितने भी फंक्शन हैं उनको सीमित करेंगे, उनको उनका परिसीमन करेंगे, कम करेंगे ताकि हम उनके इन्वर्स निकाल सकें। तो देखो ये कैसे होता है वो सब हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले मैं लेता हूँ साइन एक्स लेता हूँ। अब देखो, हमने 11th क्लास में साइन एक्स का ग्राफ पढ़ा हुआ है। देखो एक बार मैं वापस चित्र से बता देता हूँ कैसे। देखो इधर तो जैसे कि साइन जीरो जीरो डिग्री का मान होता है जीरो। हम देखो यहाँ पे रेडियन यूज करेंगे, डिग्री यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे चल रहा है वृत्तीय वाला चैप्टर, तो यहाँ पे एंगल को वृत्तीय पद्धति में शो करना है। कुल तीन पत्ति होती है, सटीक, षष्टिक और वृत्तीय। देखो षष्टिक पत्ति तो चलती है डिग्री में, सटीक चलती है ग्रेड में, और जो ये पत्ति होती है वृत्तीय पत्ति, ये चलती है रेडियन में, जो 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं। तो आपको रेडियन ही लिखना है, डिग्री या कम यूज़ नहीं करनी है। तो देखो सबसे पहले मैंने लिया जीरो रेडियन। अब देखो जीरो रेडियन पे जीरो वैल्यू मिलती है। अब साइन आप जैसे कि पाई बाई टू पे निकालोगे 90 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं पाई बाई टू रेडियन पे, तो वो वन वैल्यू आएगी। तो यहाँ देखो मैं क्या करूँगा कि 90 डिग्री के यानी कि पाई बाई टू का गैप में सब वैल्यू निकालूंगा। तो ये देखो सबसे पहले पाई बाई टू, क्योंकि हमें पता है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, प्रथम चतुर्थांश। अब पाई बाई टू से नेक्स्ट पाई तक लूँगा, इसके बाद में मैं और 90 डिग्री ऐड करूँगा, मतलब पाई बाई टू ऐड करूँगा, तो कितना आ जाएगा अपने 3π/2 आ जाएगा, इसके बाद में 2π आ जाएगा, और इधर नेगेटिव चले गए तो माइनस का पाई ऐसे आगे से आगे चलता जाएगा। अब देखो जो हम वैल्यू यहाँ पर रख रहे हैं वो क्या शो कर रहा है, प्रांत यानी कि डोमेन, और जो मिल रहा है वो क्या शो करेगा यहाँ पे, परिसर यानी रेंज। अब जो रखते हैं वो तो जो ये है ये तो रखा जाएगा एक्स अक्ष पे, क्योंकि हम साइन एक्स का ग्राफ बना रहे, ये हमारे पास में प्रांत के रूप में वो एक्स अक्ष पे रखा जाता है, और जो वैल्यू मिलती है वो रेंज हमेशा वाई अक्ष पे रखी जाती है। तो अब देखो जैसे जीरो पे जीरो वैल्यू मिल गई। अब देखो हमें पता है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू तो होती है 1, और कम से कम वैल्यू होगी न्यूनतम वो होगी -1, यानी मिनिमम वैल्यू होती है -1। तो देखो यहाँ पे पाई बाई टू पे देखो 1 मिल गया। अब आप पाई पे वैल्यू निकालोगे तो 0 मिलेगा। 3π/2 का आपको निकाल 11th क्लास में अच्छी तरह से सब ये वैल्यू निकालनी हमने वहाँ पे सीखी थी। अब देखो 3π/2 पे जब निकालोगे तो कितनी आएगी, -1। देखो यदि आपको 90 डिग्री तक सारणी आती है, पाई बाई टू तक सारणी आती है, तो आप कितने कितने भी
कोई भी डिग्री हो आप वैल्यू निकाल सकते हो, भले 1140 डिग्री हो के भले कितने भी डिग्री हो आप वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। उनको तोड़ के निकालना है, जैसे आपको 3π/2 की निकालना है या मान लो 180 की निकालना है, 180 डिग्री की, तो उसको साइन 90+90 में तोड़ दो, 90+90। अब यहाँ पे साइन 90+θ का फॉर्मूला लगा दो जो कॉस थीटा होता है, यानी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90+θ अपने पास में हो जाएगा कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो ये देखो पाई की 0 होगी। ऐसे आप 90 में जितने भी सूत्र होते हैं, 180 90+θ वाले, 180 प्लस थीटा वाले, 90-θ, 180-θ, 270+θ, 270-θ, 360+θ, 360-θ, इसके मल्टीप्लाई में, तो वैसे कोई भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। और ये हम अच्छी तरह से 11th क्लास में समझ चुके हैं। तो देखो जब ये वैल्यू सारी निकाले गए, अब 2π पे निकाले गए तो आपको वापस 1 मिलेगी। इधर देखो पाई माइनस की पाई बाई 2 पे जब आप वैल्यू निकालोगे तो आप वो मिलेगी माइनस की 1 मिलेगी, 0 पे 0 ही मिलती है। तो इस प्रकार से देखो जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो देखो इस टाइप से बनेगा। इस टाइप से ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, इस यहाँ हम इस ग्राफ को यदि देखेंगे तो ये यहाँ पे एक एक ही अचानक शो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कई वैल्यू रिपीट हो रही है। जैसे आप देखो कि 1 यहाँ वैल्यू आ रही है, 1 वापस देखो यहाँ मिल रही है, ये माइनस की 3π/2 पे वापस आपके 1 मिल रही है, ये वापस 1 मिल रही है। आप देखो माइनस 1 यहाँ भी, यहाँ पर भी मिल रही है माइनस की 1, यानी माइनस पाई बाई 2 पे, और माइनस की 1 3π/2 पे भी मिल रही है। तो मतलब जब वैल्यू रिपीट हो जाएगी तो वो तो फंक्शन बहुविकी में चला जाएगा, मैनी वन में, जब मैनी वन में चला जाएगा तो हम उसके, जब मैनी वन में चला जाएगा तो उसके इनवर्स की हम बात ही कैसे कर सकते। तो देखो इसका, इस ग्राफ का इस प्रकार से इसका परिसीमन करना है, कम करना है, सीमित करना है, ताकि ये एक एक ही आच्छादक रह जाए, और जैसे एक एक ही आच्छादक होगा तो हम उसके इनवर्स की बात कर सकते। तो यहाँ देखो जैसे मान लो, देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 देखो कहाँ पे आ रही है, पाई बाई 2 पे आ रही है। अब देखो जैसे ही इधर चलते हैं तो ये देखो रिपीट हो रही है वैल्यू, देखो यहाँ पे इधर जैसे ही इधर चलते हैं तो देखो वैल्यू रिपीट हो रही है। जैसे देखो ये मान जो यहाँ है वो का वो यहाँ है, तो हमारे वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ग्राफ को यहीं पे तोड़ना पड़ेगा। और कम से कम वैल्यू देखो माइनस वन यहाँ मिल रही है, अब जैसे इधर चलते तो देखो वैल्यू ये वापस देखो रिपीट हो रही है, ये जो यहाँ थी ये वापस यहाँ आ गई, जबकि हमारे नहीं होनी चाहिए रिपीट। तो कम से कम माइनस वन, इसलिए ग्राफ को यहाँ तोड़ना पड़ेगा। ये मतलब अब देखो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ आप ग्राफ देखोगे ना, ये वाला ग्राफ, तो मतलब इसको यदि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक ही मैं देखूँ तो देखो सब पे वैल्यू अलग अलग मिल रही है। देखो अब पाई बाई 2 पे देखो 1 मिल रही है, अब देखो इससे थोड़ा सा कम एंगल ले गए हम तो देखो ये वैल्यू अलग है, यहाँ पे वैल्यू अलग है, यहाँ पे वैल्यू अलग है, देखो यहाँ पे देखेंगे तो देखो वो वैल्यू अलग है, यहाँ पे देखो तो वैल्यू अलग है, यहाँ पे सब पे देखो अलग अलग मान मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जब मैं इसका परिसीमन करूँगा तो मैं कह सकता हूँ कि ये साइन एक्स यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, एक ही आच्छादक। अब जब यहाँ से यहाँ तक एक ही आच्छादक हो जाएगा तो मैं इन्वर्स की बात कर सकता हूँ। अब देखो ये साइन एक्स का ग्राफ है, अब जब मैं साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ बनाऊँगा, साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ, तो क्या होगा हमारे पास में, साइन इन्वर्स एक्स में जो प्रांत था वो परिसर में बदल जाएगा, परिसर प्रांत में बन जाएगा, मतलब ये इस प्रकार से उल्टा चला जाएगा। ये मतलब जो हमारे पास में जो डिग्री इधर ली थी ये रेडियन, वो तो लेना पड़ेगा इस तरफ अपने पाई बाई 2 पाई, ये माइनस का पाई बाई 2 वैल्यू इधर लेनी पड़ेगी 1 माइनस की 1। तब आपके मतलब ग्राफ जो अब मैं पता पाई बाई 2 पे कितना मिला था, 1 मिला था, तो देखो ये ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, ये माइनस 1 प्राप्त इस प्रकार से, ये इन्वर्स का। तो इन्वर्स के ग्राफ में बस ये प्रांत परिसर में और परिसर प्रांत में चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ तो साइन एक्स की बनाएंगे, कॉस टेन इन्हीं का बनाएंगे, और हम जो प्रांत है उसको परिसर में शो कर देंगे और परिसर को प्रांत में शो करेंगे। किस कंडीशन में, एक एक आच्छादक बनने के बाद में, तभी तो हम इन्वर्स की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें, देखो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया सारणी में साइन इन्वर्स एक्स, अब प्रांत लिख रहे साइन इन्वर्स एक्स की बात कर रहे, जबकि मैंने ग्राफ साइन एक्स का यहाँ पे बनाया। तो यहाँ देखो जो प्रांत है वो परिसर में
लिख लेंगे और परिसर को प्रांत में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो हमें माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हमारे प्रांत था किसका, साइन एक्स का, तो वो यहाँ पे मैं किस में लिख लूँगा, परिसर में। तो हमें देखो एक एक ही अच्छा तक बंदे के बाद क्या कंडीशन हुई कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक इसको सीमित करना पड़ा। तब हमें वैल्यू कितनी देगा ये देखो, वन मैक्सिमम, कम से कम तो माइनस वन और ज़्यादा से ज़्यादा वन। तो साइन इनवर्स एक्स के जो प्रांत हो गए वो तो माइनस वन से वन हो गए, और परिसर जो होगा जिसको मुख्य मान बोल रहे वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होगा। किस कंडीशन में, जब ये एक एक ही आच्छादक बनने के बाद, क्योंकि तभी तो हम इसके इनवर्स की बात कर सकते हैं, इसलिए पहले इसको एक एक ही आच्छादक किया गया है उसके बाद में हमने प्रांत और परिसर लिखे हैं। तो कभी भी साइन इनवर्स एक्स में जो भी वैल्यू, जैसे मान लो ये साइन इनवर्स मुझे पता करना है, ये देखो यहाँ पे देखो जैसे कि साइन पाई बाई टू पे मान आता है वन, ठीक है वन आता, हम देखो हम दोनों पक्षों का इन्वर्स करते हैं, इधर भी इन्वर्स और इधर भी इन्वर्स, तो ये तो हट जाएगा साइन से साइन इन्वर्स। तो देखो साइन इन्वर्स वन का मान क्या आ गया, पाई बाई टू आ गया। तो मतलब आप समझ सकते हो कि साइन इन्वर्स में जो भी वैल्यू होगी वो मैं एंगल देगा, कोण देगा, ध्यान रखना। जबकि साइन एक्स में हमें वो जो भी वैल्यू आती है वो हमें क्या देता है, गणित की संख्या देता है, मतलब कोई भी नंबर देता है, जबकि यहाँ पे आपको क्या देगा, एंगल देगा। अब ये एंगल जो भी आपके आता है वो इनके बीच में होना जरूरी है, ध्यान रखना, इसके अलावा आप कोई नहीं लिख सकते, क्योंकि तब तो वो तो एक ही अच्छा तक है ही नहीं। तो आप वहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का अस्तित्व ही नहीं, यदि आप इससे ज़्यादा और इससे कम चले जाओगे, इसलिए इसके बीच में होना जरूरी है। और ये हम एक एक करके सब यहाँ पर ज्ञात करेंगे। अब देखो इसके बाद में हम कॉस का मैं आपको ग्राफ बताता हूँ। देखो इसी प्रकार जब हम कॉस का ग्राफ बनाएंगे, पेन थोड़ी खराब है, कोरोना के हिसाब से लॉकडाउन में हम पेन भी नहीं खरीद नहीं सकते, दुकानें बंद है। देखो ये कॉस उसी तरह से हम इधर तो लेते हैं, मैं कॉस एक्स का बनाऊंगा, बाद में कॉस इनवर्स एक्स में हम क्या करेंगे, प्रांत को परिसर में लिख लेंगे, परिसर को प्रांत में, हमें एक एक ही अच्छा तक करना है कैसे भी करके। तो देखो हमें जीरो डिग्री पे इसका भी मैक्सिमम वन होती है और कम से कम माइनस वन होती है न्यूनतम। तो देखो हमें इधर में वो का वो पाई बाई टू 90 डिग्री तक लेता हूँ, और यहाँ पे मैं रेडियन में शो कर रहा हूँ 3π/2, ऐसे इस प्रकार से इधर माइनस का पाई बाई टू, ये माइनस का पाई। अब वैल्यू लिख लो, देखो साइन जीरो की कितनी वन होती है, सॉरी कॉस जीरो की वन होती है वैल्यू, कॉस 90 डिग्री की जीरो होती है, इसके बाद में कॉस पाई की आप जब निकालोगे तो कितनी आएगी, माइनस की वन आएगी, इसके बाद में देखो कॉस माइनस पाई बाई टू की निकालोगे जब तो आपके कितनी आएगी, जीरो आएगी वापस वही। तो इसका देखो ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होगा, ये इस प्रकार से, ये माइनस का, इस प्रकार से ग्राफ अपने प्राप्त होगा। ये x अक्ष है और ये है y अक्ष, ठीक है। x अक्ष पे हमने एंगल लिया है और y अक्ष पे हमने गणित की संख्या लिए, नंबर लिए। अब देखो यहाँ पे इसका इस प्रकार से परिसीमन करना है कि ये एक एक ही आच्छादक हो गए, तभी हम इसके मतलब मुख्य मान और ये प्रांत लिख सकते हैं। तो एक एक ही आच्छादक करने के लिए देखो मैक्सिमम वैल्यू देख लो कहाँ है, वन, देखो ये मैक्सिमम वन। अब आप न्यूनतम देख लो, आपको देखो प्रथम कोऑर्डिनेट को मतलब धनात्मक को प्राथमिकता देनी है, तो वन ये हाईएस्ट वैल्यू वन, और कम से कम देखो कहाँ आ रही है, ये देखो ये कम से कम कहाँ आ रही है, माइनस की वन, ये क्योंकि इधर चलती रिपीट हो जाएगी वैल्यू, तो ये देखो माइनस की वन आई और यहाँ पे वन मिली। तो हमें देखो ये जैसे इधर चलेगी तो यहाँ तो वो की वो वैल्यू जो यहाँ होगी देखो ये रिपीट हो जाएगी ऐसे ऐसे सब। तो हमें ग्राफ को यहाँ तोड़ना पड़ेगा एक एक आच्छादक के लिए, और इधर भी क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ से वापस इधर चलते देखो रिपीट हो जाएगी जो वैल्यू यहाँ थी वो की वो यहाँ, तो वो तो बहुएकी में चला जाएगा नैनी वन में फंक्शन, इसलिए हमें यहाँ तोड़ना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक तो होगा, सिर्फ हम यहाँ से यहाँ तक ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा बन जाएगा, एक एक ही आच्छादक, क्योंकि हमें पता है देखो ये कॉस जीरो कॉस जीरो डिग्री, हाँ कॉस पाई बाई टू और कॉस पाई, तो कॉस जीरो पे तो वन मिल रही है, कॉस पाई बाई टू पे जीरो मिल रही है और कॉस पाई पे माइनस वन मिल रही है, तो इनका देखा रिलेशन सिर्फ एक एक के साथ में पाया जा रहा है।
ठीक है, इसको ये तो सेट ए मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ, ये फंक्शन एफ मान लेता हूँ, ये प्रांत है, ये सारे सब प्रांत क्या बन गए अपने पास में, सारे सब प्रांत परिसर रेंज बन गए। तो देखो ये एक एक ही अचानक फंक्शन हो रहा है, जैसा साइन एक्स में हो रहा है वैसा का वैसा कॉस एक्स में। तो देखो इसका परिसीमन जब हमने किया तो एक एक ही अचानक बन गया। तो अब मैं यहाँ पे सारणी में कॉस इनवर्स एक्स में प्रांत और परिसर में क्या करते हुए हमें कॉस इनवर्स एक्स का करना था, इसलिए दोनों चेंज कर लेता हूँ। देखो हमें कहाँ से कहाँ तक मिला, ये जीरो रेडियन से लेकर पाई तक, जीरो से लेकर पाई तक। यहाँ पे देखो मैंने क्लोज इंटरवल किया क्योंकि जीरो भी शामिल है अंदर और पाई भी शामिल है, इसलिए क्लोज किया ना कि ओपन इंटरवल, मतलब बंद अंतराल किया, दोनों अंदर शामिल है। और वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिल रही है, वो कि वो माइनस वन से वन तक। ये देखो यहाँ पर भी क्लोज इंटरवल है, बंद अंतराल है, क्योंकि वन भी शामिल है माइनस वन भी शामिल है, तो बिल्कुल सरल है। तो हम कोई भी कॉस इनवर्स एक्स की जो मान होगा एक्स जगह कोई भी नंबर, तब उसकी वैल्यू हमेशा जीरो और पाई के बीच में या जीरो और पाई के बराबर ही होती है। पाई से आप इधर नहीं चल सकते, जीरो से कम नहीं आ सकते। अब हम चलते देखो टेन इनवर्स एक्स में, देखो सभी के ग्राफ आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। अब देखो टेन एक्स का मैं ग्राफ बनाता हूं, ये एक्स अक्ष ये वाई अक्ष, देखो वो का वो मैं पाई बाई टू अपने पाई ये ले लिया थ्री पाई बाई टू, और इधर माइनस का पाई बाई टू, वो माइनस का पाई। अब देखो टेन जीरो डिग्री का मान जीरो ही होता है, यानी यही आएगा। टेन पाई बाई टू का मान इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये अब पाई बाई टू का इन्फिनिटी से काल्पनिक रेखा खींचनी पड़ेगी, एक काल्पनिक रेखा। अब देखो यहाँ से ये मान अनंत की ओर जाएगा, ये मतलब अनंत की ओर जा रहा है, ये कहीं टच नहीं करेगा, मिलेगा नहीं, बस ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, इसके इसके पास में और आ रहा है, अनंत अनंत तक जा रहा है। और अब देखो ये मैंने धनात्मक दिशा में क्यों किया, इसका भी कारण है, क्योंकि हम त्रिकोणमिति में 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्रथम कोऑर्डिनेट में सारे प्लस के होते हैं, सेकंड में ऑल एस टी सी, हमने एक ट्रिक सीखी थी, इसका मतलब साइन और कोसेक की सेकंड चतुर्थांश में प्लस के होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड में टेन और कोटी प्लस के हो गए, बाकी सब नेगेटिव हो गए। और फोर्थ में कॉस और सेक ही प्लस के होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो देखो ये पहले जीरो से पाई बाई टू प्रथम चतुर्थांश होता है, प्रथम में सब प्लस के होते हैं, इसलिए ये टेन की वैल्यू प्लस की ओर जाएगी, नीचे आप नेगेटिव की ओर माइनस की ओर नहीं लेके आ सकते। अब देखो जब अब बैक आ रहे हैं, देखो इधर से तो जब ये तो हम जब धनात्मक चल रहे हो, ऋणात्मक जब हम बैक आ रहे हैं मतलब इस तरफ आ रहे हैं, तब हम ये कोऑर्डिनेट कौन सा आएगा, छोटा आ जाएगा, फोर्थ फोर्थ चतुर्थांश। और फोर्थ चतुर्थांश में देखो ये यहाँ टेन किसका पाया, टेन किसका है, नेगेटिव का, इसलिए हमें इधर वैल्यू किधर आएगी, नेगेटिव की ओर, क्योंकि कॉस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू की जो वैल्यू होगी वो तो इन्फिनिटी तो होगी, अनंत तो होगी, लेकिन वो नेगेटिव की ओर होगी, तो हमें नेगेटिव की ओर आना। अब वैसे के वैसे देखो हम यहाँ एक काल्पनिक रेखा खींचे गए, अब जब इसकी वापस जीरो वैल्यू होती है हमें पता है, तो थ्री पाई बाई टू के देखो प्लस की ओर जाएगी, क्योंकि देखो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये तो जीरो डिग्री, ये पाई बाई टू तक चलता है, ये पाई तक चलता है, ये थ्री पाई बाई टू तक चलता है, ये वापस टू पाई, ऐसे भले चलती जाओ, इसलिए तो इसको वृत्तीय फलन बोलते हैं। अब देखो इन सारे ये साइन कॉस टेन वैल्यू रिपीट होती रहती है, 360 डिग्री के बाद किन की होती है, किन की 180 के बाद भी होती है। अब देखो यहाँ पे ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, पाई से 3 पाई बाई टू, देखो पाई से 3 बाई टू थर्ड, और थर्ड में टेन किसका है, प्लस का, इसलिए मैं प्लस की ओर गया हूँ। अब देखो इधर देखो पाई बाई टू से पाई की ओर, देखो पाई बाई टू से पाई की ओर, पाई बाई टू से पाई की ओर, देखो इसमें टेन किसका होता है, नेगेटिव, इसलिए मैं किधर आना, नेगेटिव की ओर। इस प्रकार से देखो, अब देखो हमें एक एक ही आच्छादक बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना है, देखो एक एक ही आच्छादक बनाना है, इसलिए कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे देखोगे, यदि देखो ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई, सिर्फ ये देखो यहाँ से देखो ये का ये भाग वापस रिपीट हो रहा है, तो रिपीट तो हमें सिर्फ एक ही लेना, ताकि वन वन ऑनटो फंक्शन हो जाए, तो सिर्फ यहाँ तक लेना पड़ेगा। यानी हम जब अब ये या प्रांत है, तो यहाँ मैं किस हमें टेन इनवर्स एक्स का पता करना था, उसको मैं किस में लिख लेता हूँ, परिसर में, परिसर को मुख्य मान बोलते हैं। तो हमें देखो इसका मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, लेकिन देखो पाई बाई टू पर ये परिभाषित नहीं है, पाई बाई टू तक तो इन्फिनिटी है, कोई मतलब ये तो आगे से आगे बढ़ रहा है, इसके टच नहीं कर रहा है, ये तो इन्फिनिटी मतलब वो तो अनंत तक जा रहा है, तो पाई बाई टू पे कोई वैल्यू नहीं दे रहा, इसलिए यहाँ पे कौन सा अंतराल आएगा, खुला अंतराल, पाई बाई टू से
इधर वाले, और माइनस पाई बाई टू से इधर वालों पे वैल्यू दे रहा है, तो इधर भी कौन सा आएगा, खुला अंतराल यानी ओपन इंटरवल, ठीक है, इनसे बीच बीच वाली वैल्यू पाई बाई टू के समान नहीं, न तो ये पाई बाई टू पे परिभाषित है, न माइनस पाई बाई टू पे परिभाषित है। अब देखो हमें वैल्यू कहाँ से मिल रही है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक वैल्यू मिल रही है, ये एक्स की वैल्यू इन दोनों के बीच में मिल रही है। ये भी लिख सकते हैं, इसमें देखो सारे रियल नंबर आ गए सारे के सारे, क्योंकि प्लस में भी अनंत तक है, माइनस में भी अनंत तक है, इसलिए इसको सिर्फ आर भी लिख सकते हैं, यानी रियल नंबर सारे आ गए। या फिर इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के बीच में सारे आ गए। तो आपको देखो टेन का भी पता चल गया होगा कि मुख्य मान जो होगा वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में ही होगा, यानी कोई भी आप वैल्यू जब टेन इनवर्स एक्स के निकालोगे तो इनके बीच में ही होनी जरूरी है। अब आगे हम कॉट का देखते हैं, देखो कॉट का देखो वो ही मैंने एक्स अक्ष लिया वाई अक्ष ले लिया, वो का वो पाई बाई टू पाई और थ्री पाई बाई टू, वो का वो माइनस पाई बाई टू रेडियन और माइनस का पाई रेडियन। अब देखो कॉट जीरो डिग्री का मान इन्फिनिटी होता है, और कॉट नाइन्टी डिग्री का मान कितना होता है जी, कॉट नाइन्टी डिग्री का मान क्या होगा, जीरो होगा। तो कॉट पाई बाई टू की वैल्यू तो होती है जीरो, तो इधर देखो ये इन्फिनिटी की ओर चलता है, मतलब तो ये इस प्रकार से, और यहाँ हमें एक काल्पनिक रेखा खींचनी पड़ेगी, और ये कॉट पाई का मान वापस इन्फिनिटी होता है, तो ये नेगेटिव की ओर जाएगा। ये आपको कैसे पता चलेगा नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से आप देखो प्रथम चतुर्थांश में सब प्लस के होते हैं, तो ये पॉजिटिव की ओर गया। अब देखो सेकंड चतुर्थांश में कॉट होता है नेगेटिव, इसलिए ये नेगेटिव की ओर गया। इस प्रकार से आगे जब आप और बनाओगे, ये पाई लोगे यहाँ पे, तो आपके आगे कैसे बन जाएगा, वो का वो वापस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, या तो चलेगी पॉजिटिव की ओर, क्योंकि हमें पता है थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉट टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और ये यहाँ एक काल्पनिक रेखा खींचनी पड़ेगी और यहाँ जाएगी नेगेटिव की ओर। तो यहाँ आप देखो ये कि ये वैल्यू वापस रिपीट हो रही है, और वैसे का वैसा इधर भी होगा, तो इधर भी आप जब ग्राफ बनाओगे तो ये तो जाएगी आपके इधर एक काल्पनिक रेखा खींचेगे, ये तो जाएगी पॉजिटिव की ओर, क्योंकि जब आप बैक आओ देखो बैक ये कौन सा है, ये पहला चतुर्थांश जब बैक आते हैं पीछे, तो पहले पहला चतुर्थांश तो पहले में कौन सा, जब बैक आते तो माइनस नेगेटिव, इसलिए ये कहाँ जाएगा, नेगेटिव की ओर, इसके टच नहीं करेगा। और जब ये बैक से सेकंड चतुर्थांश पीछे से, तो पहला और बैक से ये वाला आ रहा है, और इसमें पॉजिटिव हो रहा है, इसलिए देखो ये इसमें ये पॉजिटिव की ओर गया। तो अब देखो ये भी रिपीट हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है रिपीट, हमें बनाना एक एक ही अच्छा था, इसलिए सिर्फ एक बार कोई भी आपको वैल्यू लिखनी, इसमें देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए देखो ये ले गए तो हमें कहाँ से कहाँ तक, जीरो से पाई तक ये सारी वैल्यू मिल रही है। अब वापस इसको ले नहीं सकेंगे, ठीक है, बाद में तो बहु एक ही फंक्शन बन जाएगा, इसलिए देखो इसका मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक मिलेगा हमें, जीरो से लेकर पाई तक, जीरो शामिल नहीं है, इसलिए मैंने क्लोज ये खुला अंतराल किया, क्लोज सॉरी ओपन इंटरवल, क्योंकि जीरो पे तो ये परिभाषित ही नहीं है, और पाई पर भी परिभाषित नहीं है, इसलिए हमने इसके बीच बीच की वैल्यू, सिर्फ इसके बीच बीच की। और हमें वैल्यू कितनी मिल रही है, इधर भी इन्फिनिटी और इधर भी इन्फिनिटी, माइनस की और प्लस की दोनों, और मतलब सब आ गए, सारी संख्या आ गई, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आर लिख सकता हूँ। तो देखो कॉट की जो भी आपके मुख्य मान होगा वो जीरो से पाई के बीच में ही होगा, जीरो के बराबर भी नहीं होगा और पाई के बराबर भी नहीं होगा। हम आगे हम देखते हैं सेक इनवर्स एक्स का, देखो सब ग्राफ पे खेले, ग्राफ आपको हमने